Hey guys, subscribe Tech Talk and click on the bell icon to get notified about my next animated tech video. इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में हम बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे, यानी हमें जिसे पैसे सेंड करने हैं उसके अकाउंट डिटेल्स ऐड करने हैं. और सेकेंड पार्ट में मैं इस बेनिफिशियरी को अप्रूवल के लिए बैंक में अप्लाई करूँगा, तो बैंक उसे अप्रूवल दे देगा और उसके बाद हम उससे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ये जो फर्स्ट दो स्टेप्स है उसे हमें एक ही बार करना है. एक बार ये फर्स्ट दो स्टेप्स हो गई, और बहुत ही कम टाइम लगता है इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए, तो हम उस बंदे को कितने भी बार पैसे सेंड कर सकते हैं. हाय गाइस, दिस इज मयूर, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेट बैंकिंग के थ्रू SBI से किसी भी बैंक के बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं. उसके लिए आपको नेट बैंकिंग के यूज़र नेम पासवर्ड डिटेल्स लगेंगे. आपके पास नहीं है तो इन नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं. तो मेरे पास ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड है. आप अपने बैंक में जाके भी आप यूज़र नेम पासवर्ड बना सकते हैं. तो मैं लॉगिन करता हूँ, और इस वीडियो में मैंने सारे डिटेल्स मैंने ब्लर कर दिए हैं. तो लॉगिन होने के बाद SBI ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है, जिसपे आपका अकाउंट नंबर और बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं. ट्रांसफ़र के लिए हम पेमेंट / ट्रांसफर्स पर क्लिक करेंगे, और दो टाइप के अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र होते हैं. कुछ होते हैं विद इन SBI, यानी SBI to SBI, या फिर SBI to outside SBI, यानी मैं अभी ICICI बैंक में ट्रांसफ़र करूँगा. सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे बैंक डिटेल्स अलग होती है. तो तीन टाइप के ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, IMPS, RTGS और NEFT. अगर आपको IMPS, RTGS और NEFT के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे नो मोर अबाउट IMPS या नो मोर अबाउट RTGS /NEFT देख सकते हैं. हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे उसके चार्जेस या कितना टाइम लगेगा पेमेंट ट्रांसफ़र होने को. अगर हम NEFT के बारे में देखें तो 1000 रुपये तक आपको ज़ीरो चार्ज लगेगा, और उसके बाद अगर आपको और भी ट्रांसफ़र करना है तो 2 लाख तक आपको ₹3+ GST लगेगा. और अगर आपको RTGS या NEFT करना है तो इसके डिफरेंस आपको इस टेबल में मिल जाएंगे. RTGS में आप 2 लाख से 10 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और NEFT में 0 से 10 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फिर हम IMPS सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे. फ़ंड ट्रांसफ़र दो टाइप के होते हैं, यूजिंग IFS कोड या यूजिंग MMID. अगर आपको एक इंडिविजुअल पर्सन से किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो उस बैंक के ब्रांच का IFS कोड लगेगा. तो IFS कोड के लिए आप गूगल में सर्च कर दो IFS कोड, स्क्रॉल डाउन करो, और आपको यहाँ पे bankifscode.com में जाना है, और यहाँ पे आप अपने बैंक का IFS कोड सर्च कर सकते हैं. IFS कोड किसी कोड से आपको बैंक के सारे डिटेल्स आ जाएंगे, या सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करोगे तो आप अपने ब्रांच का नाम से उसके IFS कोड और सारे टाइप के कोड्स आपको मिल जाएंगे. तो मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ, और आप अपना बैंक का IFS कोड कॉपी कर लेना. मैंने IFS कोड पेन डाउन कर दिया है, और प्रोसीड पे क्लिक करूँगा. मेक श्योर कि आप जिस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बैंक में NEFT अवेलेबल हो. तो मैं ओके क्लिक करूँगा, और यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट एडेड एनी इंटरबैंक बेनिफिशियरी. तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा वीडियो के. इंटरबैंक बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए हम फिर से पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र में आ जाएंगे. उसमें आने के बाद आपको ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है. यहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना है. जब आप नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे और फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, तभी ही आपको प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा. तो यहाँ पे हम लोग इस पेज से बहुत कुछ कर सकते हैं. इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी यानी SBI या SBI के अंडर जितने भी बैंक्स हो उनके लिए होता है, और इंटर बैंक जो प्राइवेट बैंक्स हो, या जैसे मैं ICICI को सेंड करूँगा तो उसके लिए यहाँ से हम इंटर बैंक बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर और भी टाइप्स के बेनिफिशियरी है, आप चेक कर सकते हैं. इंटर बैंक बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जिस बंदे को पैसे सेंड करने हैं उस बंदे के नाम, अकाउंट डिटेल्स, एड्रेस और IFS कोड एंटर करना है. तो मैं मेरे सारे डिटेल्स को ब्लर करूँगा और यह फॉर्म फिल कर दूंगा. तो मैंने नेम, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर फिल कर दिया है. अब हम फिल करेंगे इंटर बैंक ट्रांसफ़र लिमिट, यानी आप मैक्सिमम 10 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे उसकी लिमिट देनी होगी. तो मैं 10 लाख की ही लिमिट दूंगा. फिर हम IFS कोड सिलेक्ट करेंगे. अगर आपको रिसीवर के बैंक का ब्रांच नंबर पता है तो आप लोकेशन पे सिलेक्ट करके भी सेंड कर सकते हैं,
उसके लिए आपको ब्रांच और सब कुछ डिटेल्स मालूम करनी होगी। बट मैं IFS कोड यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया है मेरे रिसीवर का IFS कोड, तो मैं उसे कॉपी किया था, तो मैं इसे यहाँ पे वापस पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने IFS कोड पेस्ट कर दिया यहाँ पे और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया है कि हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली एज अ बेनिफिशियरी, और उस बेनिफिशियरी के अकाउंट डिटेल्स और IFS कोड इंक्लूडिंग ब्रांच नेम सब कुछ आ गया है। और नीचे एक बटन है अप्रूव नाउ, तो हम अप्रूव नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे और दो टाइप्स आते हैं, दैट इज अप्रूव बेनिफिशियरी या अप्रूव लिमिट। तो हम अप्रूव बेनिफिशियरी कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे हम लोग ATM के पासवर्ड के थ्रू उसे अप्रूव करेंगे या यूजिंग OTP इसे अप्रूव करेंगे। तो मैं OTP से अप्रूव करूँगा। फिर यहाँ पे आपको यूज़र को सिलेक्ट करना है और आपको एक SMS आएगा। उस SMS में आपको एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड मिलेगा और वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करके आपको अप्रूव करना है। अगर आपको OTP नहीं मिल रहा है तो नीचे क्लिक हियर टू रिसेंड द OTP भी दिया है। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली एडेड, और ये प्रोसेस आपको एक ही बार करनी है एक यूज़र को। अगर मैं इस बंदे को ऐड कर दिया है तो मुझे इसे बार बार ऐड करने का नीड नहीं होगा, और अभी मैं इसे कितने भी बार पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस वन टाइम प्रोसेस है। फिर ये अप्रूव होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा बैंक से सामने से अप्रूवल आने आने तक। अगर आप वर्किंग आवर्स में करते हो तो आपका इमिजिएटली अप्रूव हो सकता है, अगर आप 8 बजे के बाद करते हो तो वो नेक्स्ट डे ही अप्रूव हो जाएगा आपको। तो अभी आपको देखना है कि अप्रूव हुआ है कि नहीं, कैसे चेक करना है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वीडियो का। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा स्टेटस अप्रूवल हुआ है कि नहीं। तो फिर से हम पेमेंट स्लैश ट्रांसफर पर जाएंगे, ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी पर जाएंगे और प्रोफाइल पासवर्ड को ऐड करेंगे, और सबमिट में क्लिक करने के बाद फिर से इंटर बैंक बेनिफिशियरी में जाएंगे और यहाँ पे व्यू करके एक टैब खुलेगा। उस टैब में आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन पेंडिंग, तो मेरा यूज़र अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा आपको इस स्टेटस में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा एक्टिवेट। तो एक्टिवेट होने के बाद हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और रिमेम्बर ये एक वन टाइम प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस एक्टिवेटेड हो गया है, बैंक ने मेरे जो जिसको मैं पैसे सेंड करने वाला हूँ उसे अप्रूव कर दिया है। तो अब मैं कितने भी बार इस पर्सन को पैसे सेंड कर सकता हूँ, तो मैं आउटसाइड SBI IMPS पे क्लिक करूंगा और यूजिंग IFS कोड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट फिल करना है, तो मैं 500 अमाउंट करूंगा, और आपको पर्पस सिलेक्ट करना है। तो पर्पस आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अदर्स पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी ऑलरेडी मेरा आ गया है और ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि मेरा एक ही बेनिफिशियरी है। और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक एरर आया है कि मैंने पर्पस बताया नहीं उनको। तो अदर्स के बाद भी आपको पर्पस बताना होगा। मैं टेस्ट करूंगा क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और सबमिट करूंगा। फिर आपको यहाँ पे फिर से एक बार देखना है कि सेम अकाउंट नंबर और ब्रांच पे पैसे सेंड हो रहे कि नहीं, क्रॉस चेक करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, और आपको 15 मिनट्स के अंदर IMPS से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और सिमिलरली आप ऐसे ही SBI यूजर को भी सेंड कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। और सब्सक्राइब के बाजू वाला बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना, उससे हम कनेक्टेड रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू।